तो कैसे हो यार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पिक्चर के अभिनेत्री के बारे में जिनका नाम कंगना रनावत जी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। रुकिए जरा, इंट्रो भी बाकी है। कंगना जी, आपको देखकर मेरे को गाना गाने का मन कर रहा है। हो चुरा के दिल मेरा नना को दी दी चली टुटुडुडुडु। तो जैसे मैं कह रहा था यार, 1947 में देश अपना आजाद हुआ, तो कंगना रनावत जी को अभी आजादी नहीं मिली है। अरे कंगना रनावत जी, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि आप जाइए क्रिस 4 का तैयारी कीजिए। क्रिस 3 में ऋतिक रोशन जी के साथ आप आई थी मूवी में, आपका नाम माया या छाया था, तो क्रिस 4 का आप तैयारी कीजिए। अरे यार, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, क्या भीख थी? किसने ये बोला था मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, क्या भीख मांगे यार? एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप कुछ भी कीजिए तो रियल लाइफ वाला भाषा बोलिए। आपके इसी लैंग्वेज से आपका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया था, मेरे को याद है, अच्छे तरीके से याद है मेरे को। तो कृपया करके कंगना जी, आप कुछ भी कीजिए, मूवी वाला डायलॉग मत बोलिए, नहीं ठीक लग रहा है, नहीं सूट कर रहा है। लोग कहते हैं यार कि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि आदमी के मृत्यु के पश्चात आदमी का शरीर मर जाता है, आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना जी के साथ कुछ उल्टा हुआ है। जैसे कि कंगना जी का आत्मा मर गया, इनका लाश भटक रहा है इधर उधर। देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और हाँ, पैदा हो गए थे 1987 23 मार्च को, लेकिन बाप हमको मिला 2022 में। कंगना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप क्रिस 4 का तैयारी कीजिए और कुछ मत कीजिए, प्लीज क्रिस 4 का तैयारी कीजिए। भाई, इस वीडियो को देख रहे हो यार, सपोर्ट करो, क्योंकि अब जो वीडियो आप तक पहुंचेगा तो फेस कैम वाला पहुंचेगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है फेस कैम का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।